आइए हजरत वक्त को नजर अंदाज करते हुए मैं बिना ताकत के हमारे मोहल्ले के जाने जाने पहचाने सभी व सब वर्गों में चार मिसरे से आवाज दे रहा हूँ। इनका सिक्का सिर्फ मोती झील में नहीं चलता है, पूरा बंगाल में चलता है। के ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, के ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना बादशाह हूँ ना वजीर हूँ, के ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना बादशाह हूँ ना वजीर हूँ, दरे मुस्तफा है मेरी सल्तनत, दरे मुस्तफा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं एक फकीर हूँ। عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفينا يوم الجزاء مدينة پپو اکتا کو بولنا نہیں پڑے گا وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے مدینہ کس طرح کا بیس دینا ہے کس طرح کا ایکو دینا ہے डाइस रसूल पे मौजूद शोरा इकराम खतीबान अहले सुन्नत हाजरीन मजलिस और पर्दे में रहकर सुनने वाली हमारी पर्दा नशी इस्लामी खवातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए वक्त जायद नहीं है हमारे पास, बिल्कुल 10 मिनट का वक्त है और उसी में हमें कलाम पेश करना है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारा साथ दें ताकि हम जल्द से जल्द शुरू हो सके। मैं समझता हूं कि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब, मगर सलाम तो हम लोगों ने किया मगर जवाब वाजिब तरीके से नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर पूरा मजमा सलाम का जवाब पहले दे दे, इंशाल्लाह उसके बाद कलाम करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। اللهم صل على बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। اللهم صل على एक मतलब मैं पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। मतलब पेश कर रहा हूं हुजूर, देखें आपके खूबसूरत समाप्त के हवाले। इस कूज़े हस्ती में खामोश हैं आप, देखिए हम कब्रिस्तान में नहीं पढ़ रहे, हम जिंदा लोगों के बीच पढ़ रहे हैं। और मेरा ये अकीदा है, मेरा ईमान है कि जिंदा के मानने वाले जिंदा होते हैं। जब आप हुसैन को मानते हैं, मेरा हुसैन जिंदा, हुसैन के मानने वाले भी जिंदा। पूरा मजमा मचल कर कहते सुभान अल्लाह, पूरा मजमा, पूरा मजमे की बात की है मैंने, पूरे मजमे की बात की है, कहें सुभान अल्लाह। अगर आप चाहें तो मैं माइक छोड़ सुनाने का माहौल बनाए, कहे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह जी, क्योंकि इमरान भाई की मतलब कि उन्होंने हमें यह हुक्म दिया भाई कि 10 मिनट में खत्म करना है, मगर माजरत चाहता हूं कि 2 मिनट मेरे को तमहीद मानने में लग रहा है, मैं माजरत चाहता हूं 8 मिनट में इंशाल्लाह मुकम्मल करता हूं मैं। देखें आप, इस कूज़े हस्ती में, इस कूज़े हस्ती में, इस कूज़े हस्ती में, इस
कूजे हस्ती में दो पाक नगीना है, इस कूजे हस्ती में दो पाक नगीना है। और मुकम्मल मतलब समाप्त करें आप, इस कूजे हस्ती में दो पाक नगीना गए, एक आँख में काबा है, बोलिए 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 काबा है, एक आँख में काबा है, दूजे में मदीना गए, गुलजारे नबुवत की बात कर रहे हैं हम। हुजूर देखें, हजरत समाप्त करें, आपके हवाले से मैं शेर पेश कर रहा हूं, देखें। गुलजारे नबुवत के मजमा मजमा मुकम्मल मजमे की बात की है हम लोगों ने, मुकम्मल मजमा बोले। गुलजारे नबुवत के गुलजार नबूवत के सरकार गुले तर हैं, गुलजार नबूवत के सरकार गुले तर हैं, कहते हैं जिसे खुशबू, कहते हैं जिसे खुशबू, कहते हैं जिसे खुशबू आका का पसीना है, कहते कोई दीवाना है ऐसा जो नारा लगा दे। माला सलामत रखे भाई। क्या महकते हैं महकने वाले, अरे बू पे चलते हैं भटकने वाले, दूर नजदीक के सुनने वाले, वो कान काने लाले मत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पूरा मजमा पूरा मजमा बोलते रहे, नजाकत पे लाखों सलाम, फूलों से शगुफ्ता गए और चांद से प्यारे गए, वो नूरी बदन वाले, पूरा मजमा पूरा मजमा वाले, वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं, पूरा मजमा जवाब दे। या रसूल अल्लाह याले, कब्र में लहराएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब जब कब्र में मर कर जाएंगे तो कब्र में रोशनी एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, कब तक के लिए? कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, उस नूर मुजस्सम की तारीफ भी हो कैसे। मजमा खामोश है,
फिर माइक रखेंगे और लोग जिस रंग में पढ़ते हैं ना, ये वो रंग ही नहीं है। आप बोलें, आप बोलेंगे तो शेर अच्छे अच्छे आएंगे, बस और कोई बात नहीं। आप बोलते ही रहेंगे तो इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा सोच कर जा रहे हैं हम लोग की अच्छा पढ़ के जाएं, कोशिश कर रहे हैं, मौला पूरा करवा दे, बस आप लोग बोलते रहे। देखें उस नूर मुजस्सम की तारीफ भी हो कैसे, रुखसार लबों के सो, रुखसार लबों के सो, रुखसार लबों के सो, कुरान के पारे हैं, रुखसार लबों के सो, कुरान के पारे हैं। और देखें, जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ लाए तो ऊंच और नीच का फर्क खत्म हो गया। भाई मैं कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि आप तवज्जो के साथ इस शेर को सुने, हम आप ही के लिए और पूरी महफिल के लिए पढ़ रहे हैं। देखें आप इस शेर पर गौर करें कि इस शेर पर मैं खास तवज्जो चाहता हूँ पूरे मजलिस की। कह दे मचल कर सुभान अल्लाह, पूरा मजमा, पूरा मजमे की बात की है मैंने, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। जी हाँ, ऐसे ही जवाब दें आप। देखें हुक्म नबी सबको सबको सबको, हुक्म नबी सबको दरबार में आ जाओ, है हुक्म नबी सबको दरबार में आ जाओ, गोरे भी हमारे गए, गोरे भी हमारे गए, गोरे भी हमारे हमारे हैं। मैं बाई जानिब मेरे भाई खड़े हैं कमेटी के मेंबरान कुछ, अगर आप लोग पांच मिनट के लिए, और पांच मिनट बचा है मेरे वक्त में, सामने आ जाए ना, बस ऐसे खड़े हो जाए, बस जैसे आप वहां खड़े हैं यहाँ खड़े हो जाएं, मेरा आना मुकम्मल हो जाएगा। बस पांच मिनट का वक्त है मेरे पास, मेरा आना मुकम्मल हो जाएगा। देखें आप, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, देखें क्या फरमा रहे हमारे उस्ताद मोहतरम। सरकार की अंगुष्ठ मुबारक के इशारे से सूरज पलट आया था, तो उंगली तो पैगंबर की थी, इशारा किसका था ये आप समाप्त करें। देखें मचल कर कहते सुभान अल्लाह, इस आवाज में नहीं, बुलंद आवाज में और बुलंद आवाज में। हाँ आप देखें आप शेर, क्यों उनके इशारे पर सूरज न पलट आए, क्यों उनके इशारे पर सूरज न पलट आए, पयंबर की उंगली है, पयंबर की उंगली है, पयंबर की कुदरत के इशारे हैं, उंगली है पयंबर की। नारे तकबीर, भाई दोनों हाथों को बुलंद करके पढ़े, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन। इजाजत है ना किबला? देखें अभी अभी हम हमारे डाइस रसूल पर बड़े अच्छे शायर
बिरादर अकबर बिलाल साबिर साहब मौजूद हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं माशाल्लाह। मौला ने सदका अहले बैत अता फरमाया है इनको, और मैं दुआ करूंगा कि मौला पंजतन के सदके इनके कलम में और जोर अता फरमाए। और देखें एक बंदिश मैं पेश कर रहा हूँ, बंदिश पेश कर सकते हैं? मजमा मुतवज्जा नहीं है, मैं बंदिश पेश करूं? पूरा मजमा कहे कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा, पूरे मजमे की बात की है मैंने, आप धोखे में ना रखे मुझे, सामने से लेकर आखिर आदमी तक कहे सुभान अल्लाह। हाँ ये आवाज चाहिए, अब देखिए जोर से कहो यार कि शैतान का कलेजा फट जाए। कहे सुभान अल्लाह, हाँ देखिए अब चांद टुकड़े हो कर तसदुक हुआ, चांद टुकड़े होकर तसदुक हुआ, अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। हुस्ने यूसुफ पे कटी, बस आपकी आवाज आ जाए, देखें शेर के साथ, मिस्र में अंगुष्टे वहां तो सिर्फ उंगली कटी है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, अरे देख लेते वो अगर मेरे नबी को एक नजर, फेर लेती दिल पे छुरियां, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान गए, क्यों के इशारे पर सूरज न पलट आए, उंगली है पयंबर की, उंगली है पयंबर की, उंगली है पयंबर की, कुदरत के इशारे हैं, उंगली है पयंबर की। और दुआओं के साथ ये आखिरी शेर हम पहुंचा रहे हैं, देखिए जी हाँ आखिरी शेर, आखिरी शेर देखिए, अगर नबी से मिलना है तो वसीला किन का इस्तेमाल करें आप, ये देखें ये शेर बगौर सुने और पूरा मजमा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। देखिए साइड में जो हमारे भाई खड़े हैं आप खड़े रहें, मगर वहीं से हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज में एक साथ पूरा मजमा और बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। पीछे मेरे भाई जितने खड़े हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। देखें आप, मिलना है नबी से तो मजमा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाँ देखें पूरा शेर हमको याद है इस नाथ शरीफ का, भूल नहीं रहे हैं, बस आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जो तकरीर समाप्त करने वाले हैं हजरते कलीमुद्दीन रिजी साहब किबला को आप सुनेंगे, बड़ी पुरमक्स तकरीर होती है, बस हम माहौल तैयार करने की कोशिश करें कि किबला आए, और आप तो आपके पड़ोस में हैं और बड़ी अच्छी खतीब खिताबत है उनकी, आप समाप्त करेंगे, शेर समाप्त करें आप। मिलोगे नबी से तो पूरे मजमे की बात कही है, साइड वाले भाई में समझ नहीं रहे, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाँ आपसे पैसा नहीं मांग रहे, जबान खोल ले, सुभान अल्लाह कहने से वो मिलेगा जो पैसे देने से नहीं मिलेगा। मिलना के नबी से तो मिल जाओ नवासों से, मिलना के
नवासों से वो दरियाए रहमत है, वो दरियाए रहमत है, वो दरियाए रहमत है, ये दोनों किनारे हैं। वो दरियाए रहमत है, ये दोनों किनारे हैं। सलाम वालेकुम।